हाँ जी, क्या हाल जी। जैसे आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो हमने शुरू जो की थी तो ख़त्म किया यहाँ पे इधर, तो ये दूसरा इसका पार्ट है। इसके मेरे को लग रहा है कि 10-20 पार्ट बन जाएंगे ऐसे तो, पर अच्छी तरह से दिखाएंगे तो अच्छा, और अच्छी बात है। तो देखते हैं अभी क्या हो रहा है आगे और क्या नहीं है। ये पियर नंबर 5 आ गया इधर, अगर हम आपको दिखाएं तो देखिए आप, पियर 5 है। लोग जॉगिंग कर रहे हैं इस टाइम, 6 बजे हैं शाम के, नज़ारे आ रहे हैं, नज़ारे जा रहे हैं सबके। ठीक है जी, सो आप देखिए ये राइडर्स, आपको जो बाइसाइकिल बोला था ये वाली लेन है, इनकी भी आने जाने की है अभी इधर। ये जो येलो है ना पट्टी, येलो वाले जो राइट साइड पे हैं वो जा रहे हैं, और जो लेफ्ट पे होंगे वो उधर सामने इधर को जाएंगे। ये ऐसे है सब कुछ। और बाबा रंगीला अभी यहाँ से मिला हमको, और ये कीटा कोई रेस्टोरेंट है, और देखिए आप बार है, रेस्टोरेंट भी है अंदर, कोकीटा इसका नाम है। लो जी, रक्षा क्यों नहीं होते यहाँ पे, होते हैं। देखिए आप, यहाँ पे रक्षे भी होते हैं, और ये आपको दिखाते हैं, घुमाते हैं। पियर सारे कैश पैसे लेते हैं। तो हाँ, ये कोकीटा आपको बताया था, मैक्सिकन यहाँ पे लगा हुआ है म्यूज़िक, तो ये मैक्सिकन रेस्टोरेंट है। आप देख सकते हैं कि क्या बात है जी, क्या नज़ारे आ रहे हैं। तो इधर थोड़ा मच्छियों का भी बताया हुआ है इन्होंने कि कौन कौन सी मच्छी है जी, जलपरी कौन सी है, जलतोरी ये कौन कौन सी है, आप देख सकते हैं इधर को। तो गाइड टू ईटिंग फिश फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को बे, क्या बात है जी। ओ अच्छा, वुमेन और बच्चे, कौन कौन सी मच्छी खाएं, और क्या बात है भाई, यहाँ पे तो इन्होंने एज भी लिखी पड़ी है। ध्यान से देखिए आप कि कौन कौन सी मच्छी आपको खानी चाहिए। वाह, अच्छा है भी, अच्छा है। तो एक ये और कुछ है, ये भी ऐसे खड़ा हुआ है जंगाला सा। देखिए कमरे कमरे भी विंडोज़ हैं, और वो जो पहले वाला था यहाँ पे ये है, और उसका जो ये कुछ है सैन फ्रांसिस्को बेल, ये मेरे को लगता है कसिनो या कुछ बनाया है उन्होंने। सो ये जो बेड़े हैं, ये शिप जो है ना, ये यहाँ पे खड़े हैं, ये कहीं भी नहीं जाते। तो चलिए, आपको अगर जाने को तो वहाँ पे भी जा सकते हैं, आगे है तो कुछ नहीं वहाँ पे, ये सामने चल के जाते हैं उधर सारे, तो वहाँ से जैसे जाते हैं वैसे ही आ जाते हैं, और जिद्दां गए सी उद्दां ही आ गए, बस वही हिसाब है। चलो आगे दिखाते हैं क्या है। ये ग्रीन से ये क्या है, ओ अच्छा टॉयलेट है भी ये जो भी बाथरूम है, पब्लिक रेस्टरूम ग्रीन सा। मैंने कहा ये क्या है, ये कौन सी शहर इतने आ गई है, क्या बात है। इधर दरवाज़ा तो है ही नहीं, देखिए। ओ अच्छा है, वहाँ पे एक दरवाज़ा है इधर, तो मेंटेनेंस वाले भी यहाँ पे, उसकी वैन। और ये भी एक अच्छा सा रेस्टोरेंट है यहाँ पे, द वाटर फ्रंट रेस्टोरेंट एंड कैफे, खाली पड़ा हुआ है, वीकेंड पे भरेगा। आज तो चलो खार वेनसडे है, तो वीकेंड पे भर जाएगा। और वो जो येलो येलो दिख रही है आपको, बस देखिए सैन फ्रांसिस्को की पहले जो बताई थी आपको मुन्नी, वैसे ही है। और ये बीबी तो चंगियाड़े काट रही है साइकिल के, ये देखो आ रहा है रेंटर वो जो है स्कूटर पे, सब यस करा रहे, ये स्केट्स करी जा रहा है, सब कुछ ना कुछ तो यस करा रहे हैं। ठीक है जी,
तो ये जो खाली पड़ा हुआ है अभी, आता तो कोई नहीं है यहाँ पे। और इधर कौन सी, ये ब्रॉडवे स्ट्रीट है इधर जो सामने जाएगी ना, इधर को तो वो ट्रांस अमेरिका की जो बिल्डिंग है ना, तिखा सो तिकोण देख रहे हैं आप, ये थी ट्रांस अमेरिका बिल्डिंग, सैन फ्रांसिस्को की सबसे बड़ी बिल्डिंग पहले थी ये। तो जब से सेल्स फोर्स बनी है तो सेल्स फोर्स ने टेक ओवर कर लिया उसको, ठीक है जी। चलो आगे देखते हैं क्या है अब। तो ये आगे आ गए हम, आपको दिखा रहे हैं कि लॉ ऑफिसेज पियर 9 के, यहाँ पे वकीलों के ऑफिस हैं अभी इस पियर पे। आप बताओ कि अब ये मच्छी फंडे का ये करते हैं अभी, यहाँ पे लड़ाई लड़ते हैं, और कौन से लॉ ऑफिस हैं, कुछ समझ तो लगे। ये सब देखिए आप, वकीलों के नाम, कंपनियाँ उनकी, इधर से ये मच्छी पकड़ ली और फड़े गए, ये हिसाब था मेरे को लग रहा है। ऑफिस इधर अंदर देखिए आप, तो ये पियर 9 पे है। तो ये पता नहीं क्या है लॉ ऑफिस, यहाँ पे सारे वकील, यहाँ तो ना यहाँ पे कचहरी है ना कुछ है। तो ये मेरे को तो लगता है ये ना उसकी कचहरी है थोड़ी सी पानी पुनी वाली, कि अगर किश्ती बच गई ना किसी की और मच्छी गलत फड़ी गई तो यहाँ पे फिर कोर्ट केस लड़ते हैं। बाकी ये तो चलो जी हंसी मजाक की बातें हैं, पता नहीं क्या है क्या नहीं। वो सामने KGO TV ABC 7 जो वे एरिया है उसका, देखिए आप न्यूज़ चैनल है ये, उसकी बिल्डिंग है यहाँ पे। तो वो ट्रक ट्रक देखो आप, वैने वने लगी हैं, वो डिश डुश वाली सब, छुट्टी जो होगी है ना तो सब घरों घर ही चल गए हैं अब। पर अभी भी होंगे कई मेरे जैसे, बनाते वीडियो कहीं पे, कोई ना कोई खबर ढूंढते कुछ दिलचस्प। और ये वो रंगारंग भाई देखिए आप, फिर से मुड़ के आ गए उधर से काफ़ी दूर से। तो ये जो आगे है ना पियर 15 से 17, ये आपको बताते हैं अभी एक्सप्लोरेटोरियम है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है ये जो बिल्डिंग है सारी, इधर से लेके वो जो सारी बिल्डिंग है ना, इसको कहते हैं एक्सप्लोरेटोरियम। यहाँ पे जैसे म्यूज़ियम नहीं होता, यहाँ पे बच्चों को लेके आ सकते हैं, और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने वाली। तो उन्होंने नाम इसका डाल दिया है कि एक्सप्लोरेटोरियम। ये 15, 16 और 17 या 15 और 17 दो या तीन पियर्स में है बना हुआ। तो आप को टिकट लेनी पड़ती है, यहाँ पे टिकट लेके फिर आप अंदर जाते हो। ये देखिए ये बच्चे बने बड़े हैं प्ले, ये असल में मेरे हिसाब से ना है ही बच्चों के लिए, ठीक है ना। तो वो बच्चों वाला हिसाब किताब है एक्सप्लोरेटोरियम पियर 15। अगर आपको ये थोड़ी सी ऊपर लॉबी, मेरी टोपी उड़ गई, और अगर आपको दिखाएं, ये मजाक कर रहा था, तो अगर आपको दिखा दें कि पियर 15 है जी, बड़ा अच्छा पियर है। तो वो बीबी जा रही साइकिल पे, तो इधर आप अपने बच्चों को लेके आ सकते हो कि क्या है क्या नहीं है, कि पता चल जाएगा है तो है अच्छी चीज़ें। ये देखिए आप एक्सप्लोरेटोरियम, अगर साइकिल लगाना है तो इधर आगे जाओ कह रहे हैं आपको। तो वो बिल्कुल इस के सामने आपको पार्किंग मिल जाएगी एक्सप्लोरेटोरियम की, एक्सप्लोरेटोरियम एंड पब्लिक पार्किंग। सो ये पार्किंग है देखिए आप, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं अंदर देखने के लिए, बच्चों को लेके आ सकते हैं अपने को। हेलो जी, ये पियर 15 और 17 में है, ये पियर 15 है, और वो जो आगे है ये 17 आ गया, 17
15 to 17 तो हूँ मैं की करा। ये देखिए आपने गेंदी बनाई हुई इन ने, लाइटें जगमग जगमिया, रात को ज़्यादा जगेंगी। तो अभी आपको दिखा रहे हैं एक्सप्लोरेटोरियम की मेन एंट्री, उन्होंने बताया कि उधर ही है 15 में। तो उधर से होके ना, मेरे को लगता है उधर से होके वो पीछे से जाके फिर इधर को आते होंगे 17 में। देखिए जी, पहले तो बदल बदल थे और अब उधर तो आसमान साफ हो रहा है, पर पता नहीं बारिश होगी कि नहीं। इधर भी अनोखा ही है हिसाब किताब, मानसून तो है नहीं यहाँ पे, तो सर्दियों में पड़ती है बारिश। और अब ये अप्रैल हो गया है तो स्टिल वीकेंड पे बारिश है, अभी भी हर वीकेंड पड़ जाती है। आगे भी दिखाते हैं अभी आपको क्या है। लो जी, अगले पियर पे लेके जाने से पहले आपको दिखा दें कि जा रहा है, पता नहीं कौन से देश में कहाँ पे जा रहा है, पर जा रहा है जी। ऐसे ही इंडिया आने का बहुत मन होता है। तो वो जो सामने है वो कोई टावर है, उसका टूर भी आपको कराएंगे एक दिन। जैसे आपको बताया कि सैन फ्रांसिस्को में ना कमी नहीं है, कम से कम 100 वीडियो बनेगी हर एक जगह की, एक वीडियो अगर तो डिटेल में है। अगर तो वैसे दिखाना है कि ये जी सैन फ्रांसिस्को ऐसे ऐसे ये वो है, वो तो चलो एक दो वीडियो में हो जाएगा, लेकिन अगर डिटेल में है ना तो हम आपको डिटेल में बताएंगे कि कैसे क्या है यहाँ पे, कैसे चलता क्या काम। वो ओमनी वैन जैसे जा रही है वैन, देखो आप, असल में वो है फोक्सवैगन की पुरानी वाली वैन, जैसे स्कूबी डू के पास अगर शो देखा है तो ये है। देखिए आप, पार्किंग मीटर, इसमें आप अपना लाइसेंस का नंबर डालो तो सारा कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ पे, क्या है क्या है नहीं है। सो पार्किंग मीटर का, सॉरी, असल में ये है कि ये जो देख रहे हैं आप सफ़ेद सफ़ेद से छोटे छोटे, यहाँ पे आप अपनी गाड़ी लगा के तो उसमें पैसे भर के तो जा सकते हो, ऐसे है। देखिए फैमिलीज घूमने आ रही हैं कोई, तो वो भाई साहब जा रहे हैं स्कूटर पे इलेक्ट्रिक। फिर से दिखा देते हैं आपको, ये यहाँ पे कहते हैं पे करो, लाइसेंस प्लेट इसमें डालो, अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड डालो, कॉइन्स डाल दो तो आप यहाँ पे गाड़ी पार्क कर सकते हो। इसका ये हिसाब किताब है। आगे आ गया जी पियर, ये कौन सा है, चलते चलते पियर शेड 19:30 आ गया, 19:30, पता नहीं 19:30 का क्या हिसाब किताब है इन्होंने। ये भी लड़ाई होगी मेरे को लगता है, प्रॉब्लम होगी कि ये 19 और 19:30 ऐसे कर दो भी। ए ना ए नहीं, ये क्या है, हर्ब कैन वे, चेक कीजिए पता नहीं कौन सा है क्या है। तो ये पियर 23 है, आगे आ गया। हर पियर के आप ना ऊपर देखो झंडा कोई ना कोई लगा हुआ है, ये नहीं कि US का लगा है, कि पियर का लगा हुआ है, उन्होंने बताया हुआ है। देखो जी, दो दो जाने कोई आ रहे हैं जा रहे हैं, कि स्कूटर तो एक जाने का भार उठाता है तो ये दो दो जाने चक्की फिरते हैं। काम तो ये जो है पियर 23 है, देखिए आप, उसका कुछ रेस्टोरेंट है कोई, वाटर साइड डाइनिंग, ये भी बार और डाइनिंग है यहाँ पे एरिया। ये ट्रॉला किसी ने इधर लगा दिया है, रीफर के साथ डिलीवरी होगी मेरे को लग रहा है, ये डिलीवरी होगी जो यहाँ पे ना शिप लगते हैं बड़े बड़े आके, जो उनकी
तो ये देखिए किसी वीर ने ट्राला लाता है तो आंदा मैं इत्थे ही लाउणा अज सौणा ही इत्थे है। चक्को तुसीं कहिंदे सैन फ्रांसिस्को घुम्मण आए ते अज हवा भी कह रही है कि मैं ही हाँ ते होर कोई है ही नहीं ते असीं भी कह दिता कि हाँ जी हमने कह दिया कि हवा आप ही आओ। और ये इधर से शुरू हो रहा है पियर 27 जेम्स आर हरमन क्रूज टर्मिनल। देखा आपको बताया था ना, तो इधर जो वर्ल्ड से दूसरी कंट्री से आते हैं ना क्रूज बड़े बड़े वो यहाँ पे डॉक होते हैं। तो ये वीर अपना स्टॉकटन का है, कोई उसका है वो स्टॉकटन का, इसलिए मैंने बता दिया कि वो ट्रक पे लिखा हुआ है सारा कुछ उसका, बाकी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता मैं, सॉरी। तो ये जो पियर 27 है देखिए आप यहाँ पे आते हैं तो शिप कौन कौन से दिन में आएगा, इस साल में आएंगे 74 क्रूज शिप, ठीक है जी। अब अप्रैल आ गया है तो 1-2 में 2 तारीख तो होगी, तो कुछ तो है ही नहीं। देखिए अब फिर 4 को 10 को 13, 20, 22, 24 और 27 सारे लिखे हैं कि कब कब यहाँ पे क्रूज आएगा, तो अच्छी बात है जी, सारी आपको इन्फॉर्मेशन दी है उन्होंने। तो यहाँ से मेरे को लगता है कि जब वो आते हैं तो ये सामने जो बिल्डिंग है इधर ही होगा सारा कुछ, कि इमिग्रेशन और जो भी है ना, फिर ही बाहर निकलते होंगे यहाँ से पासपोर्ट में ठप्पा ठप्पा लग के जो स्टैंप लग के। तो लो जी इधर टिकटॉक भी है, आपको बता देते हैं दिखा देते हैं कि ये भाई साहब होनी ना बांदरों की तरह टपोसियाँ लगा लगा जो बना रहे थे अभी टिकटॉक, तो देख रहे हैं अब कि कितने अच्छे बांदर लग रहे हैं हम और नहीं लग रहे। देखिए आप आ रहे हैं इधर कोई, तो पियर 27 तक आज दिखा देते हैं, आगे फिर से दिखाएंगे आपको, ठीक है जी। तो देखिए आप क्या नज़ारा है सैन फ्रांसिस्को का, कुछ समझ नहीं आती। इसके मौसम की कभी तो हो जाता है औसम तो कभी नॉन औसम। मिलते हैं अभी फिर से आपको पियर 27 के आगे लेके जाएंगे, और प्लीज़ वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें, तो उससे और ज़्यादा हौसला मिलेगा और अच्छा लगता है जब देखते हैं कि सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और व्यूज़ भी आ रहे हैं, तो फिर दिल करता है कि हाँ भी चलो और दिखाते हैं सबको चीज़ें ना। तो प्लीज़ मेरा वीर वीर बन के सारे जने चक दो नप दो किली सब्सक्राइब वाली, तो लाइक वाली, तो शेयर वाली। लव यू जी सबको।